आप नमो कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमो कार चैनल से इस फ्राइडे फिर आपके लिए हाजिर हूँ एक नई फिल्म का रिव्यू लेकर, और फिल्म का नाम है मुबारका। अनीस बज़मी ने बहुत दिनों बाद एक कॉमेडी मूवी का फिर से डायरेक्शन किया है। आपने उनकी नो एंट्री, वेलकम जैसी फिल्में देखी होंगी, बहुत ही बेहतरीन फिल्में हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने एक फिल्म बनाई है मुबारका, जिसमें अर्जुन कपूर का डबल रोल दिखाया गया है। जानते हैं लोगों को ये फिल्म कैसी लगी। सर अभी तो फिलहाल मैं देखने जा रहे हैं, बाकी उसके बाद आने के बाद बताएंगे कैसे लगेगी। फिर भी क्या मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है फिल्म से आपकी? एक्सपेक्टेशन तो यही है कि शायद अच्छी जाए। अच्छी जाए, बिल्कुल। ओके, और ट्रेलर कैसा था? ट्रेलर तो बेस्ट था, बाकी अब मूवी देखने के बाद पता चलेगा। बढ़िया, अच्छी, बढ़िया है। फैमिली रेटिंग देंगे आप? 5 में से 3। मूवी ठीक है, ढाई, 2.5। ओनली अनिल कपूर इज गुड। अनिल कपूर की एक्टिंग अच्छी लगी, और अर्जुन कपूर का ठीक। ओके, कैसी लगी? अच्छी थी। क्या सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी आपको? अर्जुन की। अर्जुन कपूर की? हाँ। डबल रोल अच्छा लगा? हाँ। दोस्तों, जैसे कि आपने जाना कि लोगों ने बताया कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी, कुछ खास उन्हें पसंद नहीं आई इस फिल्म को, जैसे कि नो एंट्री, वेलकम जैसी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी कॉमेडी में, इस फिल्म में कुछ ज़्यादा। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने ये फिल्म देखी है, तो इसकी अगर स्टोरी की बात करें तो सिंपल सी एक स्टोरी है चरण सिंह एंड करण सिंह की, दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन उसमें किस तरह से तड़का लगता है लव ट्राइंगल का और किस तरीके से वो घोंच पोंच हो जाती है फिल्म में। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बहुत बार फिल्मों में रिपीटेशन हो चुकी है। पहली बात तो कि कोई नया प्लॉट नहीं था फिल्म में, ये इसका माइनस पॉइंट है फिल्म का। दूसरी, एक एक्टिंग की अगर हम बात करते हैं, अर्जुन कपूर कोई बहुत ज़्यादा फाइन एक्टर नहीं है, वो सो एक्टिंग अपनी जो करते हैं नॉर्मली फिल्मों में, वही एक्टिंग इस बार भी उनकी आपको देखने को मिलेगी। अनिल कपूर का एक जो एक उनका तरीका है बात करने का फिल्म में, और जिस तरह से वो आइडिया क्रिएट करते हैं, जिस तरह से उनका दिखाया गया है कैरेक्टर, वो काफ़ी पसंद किया जा सकता है कि उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, और सिनेमा से बहुत दिनों से मिस थे, तो एक उन्हें देखने की भी आप कह सकते हैं एक एक्साइटमेंट है लोगों में। और हम बात करते हैं अब हीरोइंस की, तो हीरोइंस का काम वो हमेशा डिस्प्ले का ही होता है, उनकी कोई एक्टिंग खास नहीं होती, और वही सेम चीज़ इसमें दिखाई गई है। बाकी फिल्म के जो गाने हैं, गाने की अगर हम बात करें तो गाने भी एक दो गाने हैं जो अच्छे हैं और जो आज की डेट में ट्रेंड में भी चल रहे हैं। और ओवरऑल इस फिल्म को अगर हम रेटिंग देना चाहें तो 3 रेटिंग देंगे। आप भी अगर बोर हो रहे हैं घर पे बैठे हुए, तो आप अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने आ सकते हैं, लेकिन इस फिल्म से आप कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। और बाकी आप बताएं, अगर आपने ये फिल्म देखी है या आप देखने जा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और नमो कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें नई फिल्मों के अपडेट्स के लिए। थैंक यू। आप नमो कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।